जयपुर में सहकार मार्ग स्थित भोजपुर कॉलोनी के पास शनि मंदिर के नजदीक झुग्गियों में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अफीम, गांजा, ड्रग्स और दारू जैसे नशे के सामान खुलेआम बेचे जाने से परेशान होकर सैकड़ों महिलाओं ने इस अवैध कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके कई बच्चे इस नशे की वजह से मर चुके हैं और वे अब और किसी को मरने नहीं देंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने उस झुग्गी को उखाड़ फेंका जिसमें यह नशे का कारोबार चल रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय पार्षद भरत मेघवाल, भोजपुर विकास समिति के अध्यक्ष पूर्णनाथ सपेरा, अनवर अली और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और लोगों के साथ मिलकर इस अवैध गतिविधि के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस घटना से प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि नशे का यह कारोबार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपने क्षेत्र को नशे के चंगुल से मुक्त करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। ये कार्रवाई हमने मई जून में की थी कि पुलिस प्रशासन को भी दी है हमने और जिला कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को, प्राधिकरण जयपुर को, आयुक्त पुलिस को दी है, तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज भोजपुरा निवासी जो महिलाएं जो ये कदम उठाया है तो इस पर शराब, कोकीन, गांजा, भांग सारे जो नशीले पदार्थ बेचते हैं उससे हमारी बस्ती के बच्चे बिगड़ रहे हैं और आए दिन दूसरी बस्तियों से भी आते हैं, यहाँ पर चोरियाँ चकारियाँ होती है। तो हम यहाँ बहुत परेशान हो गए और तंग आके इन्होंने कदम उठाया है तो ये कार्रवाई, हमारे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, कई लोग बच्चे तो मर भी चुके हैं, जो आज घर का कोई रखवाला नहीं है, विधवा हो गई औरतें कई। तो दोबारा क्या पुलिस प्रशासन ने एक बार भी जांच नहीं करी पहले? प्रशासन की तरफ से कोई, पुलिस के द्वारा से कोई तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल देख के यहाँ पर और चले जाते हैं और हमारे को धमकियाँ देते हैं कि भाई आप जाओ अपने बस्ती में जाओ, लेकिन और शराब भी पकड़वाइए मौके पर और गांजा भांग भी पकड़वाया है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर बहुत दिनों से अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी, बारी बारी आकर के हम उसको आश्वासन दे रहे थे भी हटा ले, यहाँ से हटा नहीं रही थी, गाली गुप्तार करती है, औरतों के गिरेबान पकड़ती है, कई दफ़ा दारू बेच करके और वो इसमें नशे के इंजेक्शन, ये इसकी दुकान है इधर पीछे, वहाँ जाके इंजेक्शन लगाते हैं, ये इतने इतने से बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, ये बच्चे क्या समझ? और ये इनके इनसे 100 रुपए देते हैं और पुड़िया बिकवा देते हैं, ये रहा ये पेड़ के नीचे, 100 रुपए देते हैं और पुड़िया बिकवाते हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। आज हम लोगों ने ये झुग्गी हटाई है औरतों ने मिलकर के, हम नारी से निकेतन से एकता है हमारी सबकी, ये हट जाएगी तो ठीक है, नहीं हटेगी तो फिर हटाएंगे, फिर मारेंगे, फिर आश्वासन करेंगे। कई दफा प्रशासन को आगे करा है, प्रशासन को दारू पकड़वाई है मैंने खुद ने, और इसमें ये क्या कहते हैं पौवे, गांजा और एक सफेद पुड़िया आती है, वो 100 रुपए की वो पुड़िया बेचती है, 100-100 रुपए बच्चों को देती है, बच्चे 100 रुपए के चक्कर में बेच रहे हैं सबको। देखिए ये पिछले कई सालों से परेशान थे, भोजपुरा जो कॉलोनी है इसके पास में एक जगह है खाली, पहले तो अवैध तरीके से यहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं, ठीक है वह बसे हुए थे, उसके बाद यहाँ पर दारू का धंधा शुरू हुआ, गांजे का स्मैक का धंधा शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ पर मेरे को सूचना मिली कि अनैतिक काम भी रातों को किए जाते हैं। जो कॉलोनी है, कॉलोनी की विकास समिति द्वारा और क्षेत्रीय लोगों द्वारा समय समय पर कई बार क्षेत्रीय थाने के अंदर एसपी साहब को, जेडीए में और मुख्यमंत्री जी को बार बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद भी जो एक सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सकारात्मक कार्रवाई हुई नहीं। अधिकांश थे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, वो नशे की लत में पड़ चुके हैं, आज आप देखिए वो चोरी चकारी कर रहे हैं, कहीं से टैक्सी की बैटरियां चोरी हो जाती है, किसी के घरों में से सिलेंडर चोरी हो जाता है, और उसमें कोई निसंदेह बात नहीं है कि वो इसमें क्या गांजे की लत के लिए किसी का मर्डर तक भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये सब इनके लोगों के सामने आई, इन्होंने कई बार प्रयास किया सरकार को सचेत करने के लिए, लेकिन जब सरकार सचेत नहीं हुई उसके बाद स्वविवेक से इन्होंने पहले तो इसको समझाया, कई बार इससे मिन्नतें की कि आप यहाँ पर रहिए लेकिन इस तरह का अवैध काम मत करिए। इनको समझाने के बाद वो महिला द्वारा इन्हीं पे आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, इन्हीं के साथ हाथापाई की गई, इन्हीं को गाली गलौज की गई और इन्हीं को धमकियां दी गई, उसके बाद सभी महिलाओं द्वारा उससे जो भी उसका था उसको वहां से सामान को हटाया गया और अब उससे यही कहा गया है कि भैया यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे स्मैक बेचोगे, गांजा बेचोगे, दारू बेचोगे जिससे इनके बच्चों के भविष्य को ख़राब होता है तो इस तरह की कार्रवाई बार बार की जाएगी। ये देखिए अब आप ये देखिए, मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन को एक बार ये आप आगे लाए, ये देखिए, ये देखिए अब आप इस राजस्थान को जिस तरीके से बाहर नशे की प्रवृत्तियों को अपनाया जा रहा है,
आप ये देखिए किस तरीके से ये बेची जाती है। और सालों से नहीं हो रहा है यार, ज्यादा एक साल से ज्यादा हो गई, साल भर हो गया लॉकडाउन से, लॉकडाउन से पहले पहले की बात, इसको साल भर हो गया और साल भर से ये बढ़ती गई है धीरे 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 धीरे। जिस तरीके से इनको क्षेत्रीय थाने की सह मिली है, सह मिलने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया है। और अब वापस से हम सरकार से भी यही निवेदन करेंगे, प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, इस जगह को खाली कराया जाए। और जितने भी नशे की, आप मतलब आश्चर्य मानेंगे कि विधानसभा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर इस तरह की अवैध और अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही है। जहां पर विधानसभा आती है, जहां पर 200 विधायक बैठते हैं, MLA क्वार्टर जहां पर है, वहां की ये स्थिति है।